माता दी, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, हालांकि ये वीडियो का पहला ही पार्ट है जिसमें कि मैं आपको 10 महत्वपूर्ण बातें वैष्णो देवी को लेकर बताऊंगा, और अगली वीडियो में 12 बातें मैं आपको वैष्णो देवी को लेकर बताऊंगा। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी वैष्णो देवी जाने में। तो बिल्कुल इस वीडियो को गौर से देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। मेरी यही आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आपको कभी भी वैष्णो देवी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वैष्णो देवी की यात्रा 14.5 किलोमीटर लंबी है, वन साइडेड। तो आपको जानना जरूरी है वैष्णो देवी का नक्शा, किस तरीके से यात्रा हो सकती है, कहाँ कहाँ से। तो चलिए देखते हैं, ये पहला मैप है। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं, मैंने इसमें नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप पहले नंबर पर देखिए कटरा, तो यानी कि आप पहले कटरा से चलिए मैप नंबर 1 के अनुसार। उसके बाद आप बाणगंगा पहुंचेंगे, फिर चरण पादुका पहुंचेंगे जो कि तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आप पहुंच पाएंगे अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी से फिर नया रास्ता आता है जो कि पांचवें नंबर पर आप देख पा होंगे हिमकोटी, हिमकोटी से फिर आप पहुंच पाएंगे भवन, और भवन के बाद आप पहुंच पाएंगे भैरव बाबा जो कि सातवें नंबर पे है। तो अगर आप इस रास्ते को फॉलो करते हैं मैप नंबर 1 को, तो इसके अनुसार आपको 13.5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, जो काफ़ी छोटी है और मेरे ख्याल से बेस्ट रूट है अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। तो बाकी मैंने 3 मैप और बनाए हैं, तो आइए चलते हैं उन मैप को भी देखते हैं। अगला मैप जो है मैप नंबर 2, आप इसमें देखिए मैंने पहले क्या किया, कटरा से हम चले, फिर बाणगंगा गए, चरण पादुका गए और अर्धकुंवारी गए। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, हाथीमत्था चले जाते हैं जो कि आप देख रहे हैं 5वें नंबर पर, विया हाथीमत्था, और फिर सांझी छत आता है, सांझी छत के बाद वो भवन जाते हैं और फिर भैरव बाबा। ये रास्ता जो है बिल्कुल कठिन है, तो इस रास्ते को आप बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा, मेरा यही कहना है। कुछ लोग इससे चले जाते हैं गलती से, तो बिल्कुल भी इस रास्ते से मत जाइएगा। मैप नंबर 2 के अनुसार आपकी यात्रा होती है 14.5 किलोमीटर लंबी, तो ये सबसे हार्डेस्ट रूट है, सबसे बेकार रूट है अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं। तो आप इस रूट से यात्रा मत कीजिए गलती से भी, आप अर्धकुंवारी से हाथीमत्था मत जाइए। अब मैप नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें कि आप जाते हैं पहले कटरा, कटरा के बाद आप जाते हैं ताराकोट मार्ग जो कि नया रास्ता है, उसके बाद आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं ताराकोट मार्ग से जो कि नंबर 3 पे है। नंबर 4 पे आ जाइए आप हिमकोटी, हिमकोटी के बाद आप जाते हैं भवन जो कि हिमकोटी है नया रास्ता, भवन के बाद पहुंचने के बाद आप पहुंचते हैं भैरव बाबा। तो इसमें बहुत ही कम समय आपका लगता है, हालांकि इस रूट में आपका 1 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं नीचे अपने उल्टे हाथ पर लिखा हुआ है कटरा टू अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर, जो कि लगना चाहिए 6 किलोमीटर, क्योंकि ये नया रास्ता है, नए रास्ते पे 1 किलोमीटर ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। बस इनसे फ़ायदा ये है आपका, इस रूट पर अगर आप जाते हैं तो आपको चढ़ाई कम मिलती है, तो इसलिए ये रूट बेहतर मानता हूँ मैं, और इस रूट से हमेशा जाता हूँ, हमेशा जब भी वैष्णो देवी जाता हूँ पिछले 3-4 साल से, तो मैं इसी रूट को फॉलो कर रहा हूँ। अब चौथा रास्ता देख लेते हैं, मैप नंबर 4 में आप कटरा जाइएगा, कटरा से आप बाणगंगा इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको घोड़े खच्चर कराने हैं अपने परिवार को, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि घोड़े खच्चर सिर्फ और सिर्फ पुराने रास्ते से जाते हैं, जो ताराकोट मार्ग है या जो नया रास्ता कह लीजिए, उस पर कोई भी घोड़े खच्चर की फैसिलिटी नहीं है आपके पास, इसलिए आपको बाणगंगा जाना पड़ेगा। बाणगंगा पर आप घोड़े खच्चर करा सकते हैं अपनी फैमिली को, उसके बाद आप ताराकोट मार्ग के लिए वहाँ से डायरेक्ट निकल सकते हैं। श्राइन बोर्ड ने फैसिलिटी दी है, बाणगंगा से एक रास्ता जा रहा है सीधा ताराकोट मार्ग, जो कि आपको 1 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, 1 से 1.5 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए ही मैंने इस मैप में लिखा है 17.5 किलोमीटर, क्योंकि आपको कटरा से बाणगंगा जाना पड़ेगा, फिर बाणगंगा से ताराकोट मार्ग, और फिर ताराकोट मार्ग ऑलरेडी 1 किलोमीटर लंबा है। तो आप देख सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे तो आप वो रूट अपना सकते हैं। पहला सवाल ये आता है, किन साधनों के उपयोग से आप वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी कटरा में स्थित है तो आपको जाना ज़रूरी है। पहला तरीका आता है आपके पास जो कि है ट्रेन का, जो कि बहुत सिंपल रहेगा। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, और उस रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर ही है माता वैष्णो देवी की यात्रा, जहाँ से आपको स्टार्ट करनी होगी। अगर आपको कटरा की टिकट नहीं मिलती है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो कि जम्मू तवी का होगा। जम्मू तवी से आप बाय बस आ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है दूसरा तरीका है। जम्मू से अगर आप कटरा जाते हैं तो वो पड़ेगा 48 किलोमीटर, और 1 घंटे का आपका सफ़र रहेगा, जिसमें कि ट्रेन लेती है जम्मू से कटरा जाने का 1.5 घंटा, पर अगर आप बाय रोड जाएंगे तो लगेगा 1 घंटा, तो ये भी किफ़ायती रहेगा। तीसरा तरीका आपके पास आएगा बाय एयर, जिसमें आपको उतरना पड़ेगा जम्मू एयरपोर्ट, वहाँ से आप डायरेक्ट टैक्सी ले सकते हैं कटरा के लिए, या फिर आप बस स्टैंड आ सकते हैं जो कि जम्मू बस स्टैंड होगा, या फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि आपको कितनी जल्दी ट्रेन की टिकट बुक कर लेनी चाहिए अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द आपको इसका आंसर मिलने वाला है।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ट्रेन की टिकट 120 दिन पहले ही बुक कर ले अगर मुमकिन है तो। फिर भी अगर नहीं है तो लगभग आप 60 दिन पहले या 1 महीना पहले तो बुक कर ही लें। दूसरी चीज़ यह है कि तत्काल टिकट हमेशा आपको उपलब्ध नहीं मिलेंगी, तो आप इस भूल में नहीं रहिएगा कि आप जब भी चाहेंगे आपको तत्काल मिल जाएगी, क्योंकि ये इंडियन रेलवेज़ का सबसे व्यस्त रूट में से एक है और हमेशा यहाँ पर टिकट नहीं मिलती है। और सबसे मेन बात यह है कि 80 लाख लोग लगभग हर साल वैष्णो देवी में दर्शन करने आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीने में कितने आते होंगे, तो आपको कितनी टिकट मिल सकती हैं। क्योंकि जो ट्रेनें हैं वैष्णो देवी आने वाली, लगभग 16-17 ट्रेनें हैं टोटल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना व्यस्त रहता होगा ये रूट, तो उसी हिसाब से अपनी टिकट करा सकते हैं। अगला सवाल ये आता है कि किस महीने में अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी और जाना आपके लिए बेहतर होगा। तो बहुत ही जल्द आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए। अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना जो प्लान है वैष्णो देवी जाने का यात्रा के लिए, आप नवरात्रों में रखें। साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, 1 अप्रैल के आसपास और एक आते हैं अक्टूबर में। तो आप ध्यान रखें, अगर आप इस महीने में जाएंगे तो आपको बहुत अद्भुत सजावट देखने को मिलेगी, जिसमें कि मैंने वीडियो में दिखाया भी था आपको, तो वही बेहतर होगा अगर आप नवरात्रों में जाएं। फिर भी दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर संभव हो तो आप अपना मई जून को और जुलाई को, ये जो 3 महीने हैं मई जून जुलाई, ये जो 3 महीने आप इनको अवॉइड करें जाना। आप कोशिश करें कि इनमें ना जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा छुट्टियों में लोग वैष्णो देवी ही जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको, और आपको हर जगह बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। दर्शन में आपको टाइम लगेगा उस टाइम, और आपको सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कंबल नहीं मिलेंगे। तो बेहतर होगा आप इन 3 महीनों के अलावा आप कभी भी वैष्णो देवी जाएँ तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन काफ़ी होंगे अगर मैं वैष्णो देवी की यात्रा करने जाऊं। तो बहुत ही जल्द मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए लगभग 3 दिन बहुत हैं आपके लिए, और 3 दिन आपके लिए काफ़ी होंगे अगर आप यात्रा पूरी करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप अर्धकुंवारी रुकना चाहते हैं तो 1 दिन आपको लगेगा, भवन रुकना चाहते हैं तो आप 1 दिन रुकिए वहाँ पे और अगले दिन आप नीचे वापस आ सकते हैं, तो 3 दिन आपके लिए इनफ रहेंगे। पांचवा सवाल ये आता है कि किस प्रकार के कपड़े आपको ले जाने चाहिए यात्रा के दौरान। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वैष्णो देवी का टेम्परेचर जो मैं पिछले 23 सालों से देखता आ रहा हूँ, वो ये रहा है कि सुबह हो या शाम वहाँ पे ठंड होगी ही होगी। बस जो दोपहर है, जो दोपहर में आप रहेंगे वहाँ पे, तो दोपहर में आपको धूप ज़रूर मिलेगी, दोपहर में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, बट सुबह और शाम की बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी वहाँ पे। तो अगर बच्चे हैं आपके साथ, उनके कपड़े गलती से भी ले जाना ना भूले ठंड के, और कोशिश करें कि उनके गर्म कपड़े लेकर जाएं, और अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनके भी लेकर जाएं। तो कुछ थोड़े बहुत तो आप कपड़े रख जरूर लीजिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप कपड़े नहीं लेकर जाएं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर जाएं। और अगर आप ठंड में जा रहे हैं तो 101% आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाने पड़ेंगे वहाँ पे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज़ का। छठा सवाल आता है कि आप ट्रेन से उतरने के बाद में कहाँ रुक सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और फिर अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है। कटरा पहुंचने के बाद में अगर आप चाहते हैं आराम करना, या फिर आप चाहते हैं कि फ्रेश हो जाएं उसके बाद आप दर्शन के लिए जाएं या यात्रा के लिए जाएं, तो मैं बता देना चाहता हूं आपके पास 2 तरीके हैं। पहले तरीके में ये होगा जो कि फ्री होगा, उसमें आपको करना पड़ेगा जो कटरा रेलवे स्टेशन है या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन है, आप उसी पर ही तैयार हो सकते हैं, नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, वहीं पर आपको लोकल रूम भी मिल जाएंगे। ओके, दूसरा तरीका आपके पास आता है जिसमें कि आपको पेड डोरमेट्री बेड्स होंगे, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया है। वो बेड आपको 2 जगह मिल जाएंगे कटरा में, पहला है त्रिकुटा भवन, दूसरा है शक्ति भवन। त्रिकुटा भवन जो है 1.3 किलोमीटर दूर है रेलवे कटरा स्टेशन से, जो कटरा रेलवे स्टेशन है उससे, और जो शक्ति भवन है वो भी लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है कटरा बस स्टैंड पे पड़ता है ये, मेन कटरा चौक पे। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें ये होने वाली है जो कि ये मैं डोरमेट्री बेड आपको बता रहा हूँ, ये 100 रुपये पर पर्सन आपको देना होगा, 24 घंटे के लिए आपको मिलेगा ये। पर ऐसा नहीं है कि आप दोपहर के 2 बजे पहुँचे तो अगले दिन 2 बजे तक मिलेगा, 24 घंटे मतलब सुबह के 10 से अगले दिन 10 बजे तक। क्लीन वॉशरूम्स मिलते हैं, फ्री ब्लैंकेट्स मिलते हैं, लोकल रूम आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा।
ठीक, जो आप अपने सामने देख रहे हैं यही त्रिकुटा भवन है जो कि कटरा में स्थित है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, ये साफ सुथरा है। ये आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये नॉन एसी रूम है जो कि 100 रुपये में मिलेगा आपको। इसी तरीके का रूम आपको 150 रुपये में मिलेगा जो कि एसी भी होगा। और सामने आप देख पा रहे हैं इस टाइप के आपको लॉकर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे बैग रख सकते हैं और ताला लगा सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके यहाँ पे मिल जाएगी। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप अपने डिवाइस से चार्ज कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके का रूम आपको मिलता है, आप आराम कर सकते हैं, फिर अपने आगे यात्रा के लिए बढ़ सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं 24x7 फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी। ब्लैंकेट की आपको लिफ्ट यहाँ पे मिल जाएगी और एक भोजनालय भी आपको अंदर ही मिल जाएगा, तो आपको खाना खाने जाने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो सवाल ये आता है कि आपका जो एक्स्ट्रा सामान है, मान लीजिए आप नहा लिए, उसके बाद में जो आपका एक्स्ट्रा सामान रहा है वो आप कहाँ जमा करा सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स्ट्रा सामान जो है क्लोक रूम में जमा करा सकते हैं, जिसका किराया आपको 20 रुपये प्रतिदिन देना होगा, और वो भी पर बैग। पर बैग आपको 20 रुपये देना होगा प्रतिदिन। एड्रेस आप सामने देख रहे हैं। अभी मैं आपको सेंटर भी दिखाऊंगा जहाँ पे आपको जमा करना है कटरा में। हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि एक क्लोक रूम की ज़रूरत ही क्या है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नहाने के बाद जो भी आपके कपड़े होंगे जो कि पुराने कपड़े होंगे, तो आप उस कपड़े को ऊपर लेकर जाएं यात्रा करते वक्त, तो आपके लिए बोझ ही बनेगी वो चीज़। तो बेटर है आप उस कपड़े को किसी बैग में डाल दें और उस बैग को आप जमा करा दें इस क्लोक रूम में, और वापस जब आप यात्रा ख़त्म करके कटरा आएंगे तो वहाँ से आप अपना बैग कलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 6 से रात के 10 बजे तक की होगी। और आप सामने देख सकते हैं यही वो क्लोक रूम है, कटरा में है ये, कटरा स्टैंड के पास में है ये। और मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कहाँ पे आपको बैग जमा करना है, और वहाँ पे आप टाइमिंग्स देख सकते हैं। देखिए, सब लोग ये बैठे हुए हैं, ये सब लोग अपना सामान जमा करके ही और यात्रा के लिए जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको शिवखोड़ी भी जाना है, शिवखोड़ी के लिए भी आप कपड़े लेकर आए हैं, तो आप वो शिवखोड़ी का सामान यहाँ पे जमा कर दीजिए, वैष्णो देवी की यात्रा करके आइए, और फिर आप शिवखोड़ी के कपड़े निकालिए और वापस आप शिवखोड़ी जा सकते हैं। तो बजाय आप शिवखोड़ी के कपड़े भी वैष्णो देवी लेकर जाएं तो बेटर है, आप यहाँ पे बैग जमा कराइए। आप देख सकते हैं ये कटरा का मेन चौराया है, मेन चौक है। सवाल ये आता है कि आप अपनी यात्रा पर्ची कहाँ से ले सकते हैं, किन किन जगहों से आपको यात्रा पर्ची की सुविधा मिल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 जगह से आपको यात्रा पर्ची मिल सकती है। पहला तो कटरा रेलवे स्टेशन से आपको यात्रा पर्ची मिल सकती है, अगर आप ट्रेन से आए हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए, बेटर रहेगा। दूसरा, आप त्रिकुटा भवन से पर्ची ले सकते हैं, जो कि त्रिकुटा भवन बस स्टैंड के पास में आपको पर्ची का मिल जाएगा वहीं पे ही। और तीसरा आपको मिलेगा कटरा बस स्टैंड पे, कटरा मेन चौक जो मैंने दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, जहाँ पे आपने अपनी बैग जमा कराने के लिए क्लोक रूम लिया था वहीं पे ही। और चौथा आपको मिलेगा ताराकोट मार्ग पे, जो कि नया रास्ता है, तो आप कहीं से भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। सभी की सभी पर्ची मान्य है चारों जगह से, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है किसी पर्ची की अगर आप कहीं और से ले लेते हैं तो। अगला सवाल ये आता है कि आपको अपनी यात्रा कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग प्रेफर करते हैं यात्रा करना मॉर्निंग में, कुछ करते हैं इवनिंग में, या कुछ करते हैं आफ्टरनून में। तो अपनी ही उसकी खासियत है, अपना ही नुकसान भी है। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सुबह यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपको धूप कम मिलेगी, आप जल्दी पहुँच सकते हैं, थकान कम होगी। सबसे ही बड़ा अपना फ़ायदा यही है सुबह यात्रा करने का। अगर आप दोपहर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा धूप मिलेगी, थक जल्दी जाएंगे, यात्रा तय करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी इसमें कि आप या तो भवन पे रुक रहे हैं या अर्धकुंवारी पे रुक रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मेन मैटर ये है कि दोनों ही जगह आप 6 बजे से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप उसके बाद पहुंचते हैं, वहां पे आपकी कोई बुकिंग नहीं है, कोई बेड बुक नहीं है, कोई रूम बुक नहीं है, तो आपको सोने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अगर मिल भी गई जगह, फिर आपको कंबल की लाइन में 1.5 से 2 घंटा लगना पड़ेगा, तो अपनी ही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप लेट पहुंचते हैं। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा रात को 9 बजे 10 बजे पहुंचते हैं, उसके बाद उन्हें सोने के लिए जगह नहीं मिलती, कंबल नहीं मिलते, तो कोई फायदा नहीं है इस तरीके से अपनी यात्रा को खराब करने का। आप बिल्कुल थके हुए होंगे और आप सोचिए, आप थके हुए हैं और आप सोचेंगे कि सोने के लिए जगह मिलेगी और आपको जगह ही ना मिले तो क्या फायदा। इसलिए आप 6 बजे से पहले जरूर पहुंच जाइए। सवाल ये आता है कि कटरा से अर्धकुंवारी कितना दूर है, अर्धकुंवारी से भवन और भवन से भैरव बाबा कितना दूर है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कटरा से अर्धकुंवारी है 6 किलोमीटर दूर, जिसको तय करने में लगभग आपको 3 घंटे का समय लग जाएगा। अर्धकुंवारी से भवन है 6 किलोमीटर दूर,
जो कि 3 घंटे लगभग आपको लगेंगे, उसमें 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। और भवन से अगर भैरव बाबा आप जाते हैं, वो है 1.5 किलोमीटर दूर, जिसको 1 घंटा लगेगा आपको पैदल तय करने में। और अगर आप रोप वे से जाते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट का सफ़र करना होगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा भाग या दूसरा पार्ट कह लीजिए, मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ये दोनों वीडियो जान लेने के बाद, देखने के बाद, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है वैष्णो देवी में। तो जय माता दी, बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।